आज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर ओआईसी के बयान पर भारत सरकार की बड़ी प्रतिक्रिया, कहा सांप्रदायिक एजेंडा ना चलाएं। असम में बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार, 20 जिलों में 2 लाख लोग हुए प्रभावित, पहाड़ी क्षेत्र दीमा। असाहो जिले में भूस्खलन से रेल और सड़क लिंक टूट गया। मध्य प्रदेश के नीमच में दरगाह और मंदिर के विवाद से तमाम हनुमान प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 2 समुदाय आमने सामने आई, धारा 144 लागू। उत्तर भारत के तापमान में दर्ज हुई गिरावट, कुछ दिनों में मिलेगी गर्मी से राहत, हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना। मदरसा हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार व्हाट्सएप पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने रथ यात्रा के लिए सशर्त मंजूरी दी। ज्ञानवापी कंट्रोवर्सी के बीच अब टीपू सुल्तान की बनाई मस्जिद पर उठे सवाल, श्रीरंगपट्टन की जामा मस्जिद को बताया हनुमान मंदिर। दिल्ली के कुतुब मीनार पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में होने वाली सुनवाई टली, 73 मीटर ऊंचा है मीनार। वजूखाना बंद कराए जाने पर नाराज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की साजिश। ज्ञानवापी सर्वे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हिंदू सेना, अंजुमन इंतियाज की अर्जी खारिज करने की मांग। झूठी शान के नाम पर बंद हो हत्याएं, विज्ञापनों ने अंतर्राज्यीय विवाह को माना है फायदेमंद। दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक, पहाड़ों पर बारिश, मैदानी इलाकों में पारा गिरा, उत्तराखंड में अंधड़ के साथ तेज बौछारे पड़ने के आसार। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्तिक चिदंबरम के दफ्तर और आवास समेत कई जगह पर सीबीआई ने मारी छापे। ज्ञानवापी के बाद अब जामिया मस्जिद को लेकर उठी आवाज, हिंदू संगठनों ने मांगी पूजा करने की इजाजत। महबूबा मुफ्ती का बेतु का बयान, कहा कश्मीरी पंडितों पर हमले के लिए कश्मीर फाइल्स फिल्म है जिम्मेदार। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग नहीं फवारा था, ये हर मस्जिद में होता है, सर्वे विवाद के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का दावा। आगरा में स्कूली बच्चों को ले जा रही बस पलटी, ग्रामीणों ने शीशे तोड़कर बच्चों को बचाया, बस में करीब 25 बच्चे थे सवार। उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा, डबल डेकर बस पलटने से 2 की मौत और 25 यात्री घायल, बस में 100 यात्री सवार थे। इंडो इस्लामिक शैली में छिपे हैं ताजमहल को लेकर उठते विवादों के जवाब, जानकार ने किया बड़ा दावा। मेरठ में याकूब कुरैशी और बेटों का इतना खौफ, जानकारी देने के लिए मुंह नहीं खोल रहे लोग।
आईएमए ने बदला अपना संविधान, अब एक साथ दो अध्यक्षों का चुनाव सबकी सहमति से किया गया, परिनियमावली में संशोधन। भाजपा ने शुरू की मिशन 2024 की तैयारी, एबीसी फॉर्मूला हो रहा तैयार, पिछले चार चुनावों में प्रदर्शन के आधार पर तलाशे जाएंगे कमजोर बूथ। पीएम नरेंद्र मोदी को लखनऊ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेंट की थी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, अब सामने आई तस्वीर। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने के लिए 4 जून को गोरखपुर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सड़क हादसे रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर, नगर निकायों से सुरक्षा अभियान पर करेंगे बात। गफलत में रहे किसान नेता राकेश टिकैत, मोदी सरकार के खिलाफ बयान पड़े भारी, अपनों ने दिखा दिया जगह। हीट वेव में अपनी आंखों का रखे विशेष ध्यान, सूख रहा पानी खतरनाक साबित हो सकते हैं लक्षण। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से सफर करने वाले सभी वाहन चालकों को मिलेगी कई सुविधाएं, नहीं देना होगा कोई चार्ज। लखनऊ की एक ऐसी कॉलोनी जहां इंसान नहीं सांपों का बसेरा, आवास विकास परिषद के 300 मकानों में उगा जंगल। ट्रेनों की बोगियां अब मेंटेनेंस के लिए लखनऊ नहीं जाएंगे, प्रयागराज में ही रखरखाव की होगी सुविधा। मेरठ में निजी चिकित्सक ने फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवाकर खूब लिया सरकारी योजनाओं का लाभ, खुली पोल। आगरा में शिवलिंग मिलने पर लोगों में खुशी की लहर, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर किया डांस। एटा में पहुंचा सपा प्रतिनिधि मंडल, अखिलेश यादव को सौंपेंगे जांच रिपोर्ट, पार्टी तारीख अपनाएगी जिससे जनता को न्याय मिल सके। गाजीपुर में भी ऐसे ने किया बच्चों के साथ पीटी, बच्चों को दिया फिजिकल ट्रेनिंग। कर्डना ब्लॉक के सौरभ प्राथमिक विद्यालय का है ये वायरल वीडियो। गाजियाबाद में आजादी के 75वें महोत्सव पर कार्यक्रम, पीएसी ने बजाई देशभक्ति की धुन। गोरखपुर में रेलवे टूर्नामेंट का हुआ आगाज, 21 को खेला जाएगा फाइनल, भारतीय रेलवे की कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। मैनपुरी में बुद्ध जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री। गाजियाबाद में सूदखोर से परेशान युवक ने लगाई फांसी, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा पर कुशीनगर पहुंचे पीएम मोदी, सुरक्षा व्यवस्था के बीच की पूजा अर्चना। मैनपुरी में बुद्ध जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री। बदायूं में महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार की ओर से मिशन शक्ति अभियान चलाया गया, कार्यक्रम में एसएचओ रेणु सिंह रही मौजूद।
पीएम नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार के मंत्रियों को दिया सुशासन का गुरु मंत्र, साथ में किया डिनर। यूपी ने 32 करोड़ से अधिक कोरोना टीके लगाकर बनाया रिकॉर्ड, अभियान में शुरुआत से ही अव्वल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर करार देने की साजिश, सर्वे का आदेश और वजू खाने को बंद करने की हिदायत ना इंसाफी है। यूपी में स्कूलों को मान्यता देने में जमकर मनमानी, 72 बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण। यूपी ने केंद्र से चावल के साथ गेहूं भी मांगा, चिट्ठी भेजकर कहा राज्य के कुछ हिस्सों में गेहूं भोजन का मुख्य हिस्सा। चारधाम यात्रा 2022 में गौरीकुंड से आगे केदारनाथ पैदल मार्ग टूटा, विभिन्न पड़ावों पर रोके गए 10,000 से ज्यादा यात्री। देहरादून में नींबू के बाद अब महंगाई की तपिश से अंडों के दाम में उबाल, 30 रुपए प्रति ट्रे तक हुई बढ़ोतरी। सीजन के अंत में देहरादून पहुंचा खट्टा मीठा रसीला काफल, कैंसर सहित कई बीमारियों की रोकथाम में होता है सहायक। पिछले 2 सालों में घर और बाहर महिलाओं पर बढ़ा अत्याचार, पुलिस विभाग की ओर से जारी आंकड़े दे रहे गवाही। गुजरात की तर्ज पर विकसित होंगे नवोदय विद्यालय, शिक्षकों और कार्मिकों के लिए अलग कैडर किया जाएगा निर्धारित। उत्तराखंड में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत फटी जींस पर बोले, फटे कपड़े उत्तराखंडी संस्कृति में अशुभ। उत्तराखंड में बदला मौसम, बद्रीनाथ में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में अंधड़ के बाद हुई बारिश, सरकंड देवी मंदिर रोपवे का संचालन रोका गया। देहरादून में बैडमिंटन खिलाड़ियों के परिवार से है लक्ष्य सेन, दादा और पिता के हुनर से चमके अंतर्राष्ट्रीय फलक पर। पीएम मोदी ने अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन से कहा अब तो तुम्हें खिलानी पड़ेगी बाल मिठाई। पीएम मोदी खेल को बढ़ावा देने के लिए सीधे खिलाड़ियों से बात करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाने उमड़ी भारी भीड़, हर की पौड़ी पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। गौरीकुंड से आगे केदारनाथ पैदल मार्ग टूटा, विभिन्न पड़ावों पर रोके गए 10,000 से ज्यादा यात्री। उत्तराखंड में बढ़ रहा गैर संचारी रोगों का जोखिम, राज्य में हर तीसरा व्यक्ति हाइपरटेंशन से पीड़ित। इंटीग्रेट रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सॉफ्टवेयर से जुड़ने के लिए तैयार है परिवहन और लोक निर्माण विभाग, दुर्घटनाओं के कारण की मिलेगी जानकारी। देहरादून में साइबर ठगों ने 3 व्यक्तियों से 3.25 लाख रुपए ठगे, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। दहेज की मांग पूरी ना होने पर विवाहिता को पीटा, महिला हेल्पलाइन में सुलह न होने पर पति समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ सकते ट्विटर पर दोबारा, मस्क की सारी कोशिशें हो रही असफल।
यूएन में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा अमेरिका को उम्मीद है कि वो भारत को गेहूं निर्यात पर पुनर्विचार करने के लिए मनाएगा। पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कसा गया शिकंजा, सेना और न्यायपालिका के खिलाफ सामग्री प्रसारित करने पर दी गई चेतावनी। पाकिस्तान के कराची में विस्फोटक, महिला की मौत, 10 लोग हुए घायल, वाहन में सवार कर्मियों को कई चोटें आई। उत्तर कोरिया में कोरोना के कुल मामले 14.83 लाख के पार, किम के आदेश के बाद सड़कों पर उतरी सेना। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने निर्वासन से राहत के लिए भारतीय नागरिक के अपील को किया खारिज। श्रीलंका में बचा है केवल एक दिन का पेट्रोल स्टॉक, आने वाले दिन होंगे मुश्किलों से भरे, भारत की मदद के बाद मिलेगी कुछ राहत। बलूचिस्तान में महिलाओं और बच्चों के लापता होने की जांच कर रहे नॉर्वेजियन को बेरहमी से किया गया प्रताड़ित। हत्या की आशंका पर पीएम शहबाज शरीफ ने बढ़ाई इमरान खान की सुरक्षा, राज्य सरकार को भी दिए निर्देश। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए 44 बिलियन के प्रस्ताव से कम भुगतान करने के संकेत दिए। डॉलर के मुकाबले रुपया 77.69 के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर। व्यापारियों ने कहा कि घरेलू इक्विटी में मजबूती से नुकसान घट गया है। रेलवे ने कैंसिल की 248 ट्रेनें, इनमें कई रूटों की गाड़ियां शामिल हैं, लिस्ट देखकर ही घर से निकलने की सलाह। जेट एयरवेज फिर भरेगी उड़ान, इस सप्ताह दोबारा मिल सकता है एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। IRCTC दे रहा शिरडी साईं बाबा के दर्शन का मौका, खाने और ठहरने के नहीं देने होंगे पैसे। रुपए में गिरावट से नुकसान के साथ मुनाफा भी हुआ, महंगाई बढ़ी तो कुछ निर्यातकों को भी हुआ लाभ। म्यूचुअल फंड ने 10 लाख रुपए को 18 साल में बनाया 2.5 करोड़, बराबरी वाले दूसरे फंडों ने दिया रिटर्न। महंगे खाद वस्तुओं ईंधन की कीमतें में तेजी के चलते अप्रैल 2022 में थोक मूल्य आधारित महंगाई दर 15% के पार। सोना हुआ 50,000 के पार, चांदी में भी दिखी चमक, सोना और चांदी बढ़त के दायरे में एक साथ कारोबार कर रहे। SBI ने 2 महीने में दूसरी बार लिया लोन, ग्राहकों को झटका, अब बढ़ जाएगी किश्त। क्रिप्टो पर RBI अधिकारियों का बयान, कहा फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। दिल्ली की टीम के प्लेऑफ का रास्ता हुआ आसान, पंजाब को बाहर होना लगभग तय। भारतीय गेंदबाज हर्षल पटेल के मुरीद हुए सचिन तेंदुलकर, बताया डेथ ओवर में सबसे खतरनाक गेंदबाज।
आईपीएल में पंजाब के खिलाफ अक्षर पटेल का धमाल, मुकाम को हासिल करने वाले नवे गेंदबाज बने। पर्पल कैप पर एक बार फिर से चहल का कब्जा, हसरंगा नंबर दो पर खिसके। हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से आईपीएल 2022 से बाहर हुए अजिंक्य रहाणे, इंग्लैंड दौरे पर जाने की संभावना खत्म। शार्दुल के आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से दिल्ली को मिली जीत, पंजाब के लिए प्लेऑफ की राह मुश्किल। ऋषभ पंत ने पृथ्वी शॉ को लेकर दी प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा है कि हमें कुछ दिनों में पता चलेगा कि वो कब खेलने के लिए तैयार है। पंजाब को हराकर दिल्ली पहुंची टॉप फोर में, दूसरे नंबर पर 16 अंकों के साथ राजस्थान की टीम है। महिला टी20 चैलेंज के लिए हरमनप्रीत मंधाना और दीप्ति को मिली कप्तानी, टूर्नामेंट में 12 विदेशी खिलाड़ी भी लेंगे हिस्सा। शीर्ष दो में गुजरात की जगह पक्की, फाइनल में पहुंचने के लिए मिलेंगे दो मौके। दया भाभी के बाद अब फेमस कलाकार शैलेश लुढ़ाकर रहे हैं शो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा को अलविदा, फैंस को लगा बड़ा झटका। एक्ट्रेस कृति सेनन ने अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनने वाली फिल्म को लेकर किया खुलासा, कहा पूरी तरह से नई होगी फिल्म। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण पहुंची फ्रांस कांस फिल्म फेस्टिवल से पहले, बताई अपनी मजेदार जर्नी। अभिषेक बच्चन और बेटी के साथ फ्रांस में होने वाले फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना हुई एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय। इंडियन पुलिस फोर्स के सेट पर एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा हुए घायल, फैंस ने बढ़ाया हौसला। डांस दीवाने शो के जज तुषार कालिया ने अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड संग सगाई की, रोमांटिक पोज के साथ फ्लॉन्ट की अंगूठी। सलमान खान ने किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोड़ा की ली जिम्मेदारी, हिंदी वर्जन को करेंगे प्रेजेंट। मीका सिंह ने शुरू की वोटी की खोज, म्यूजिक वीडियो शेयर कर दुल्हे राजा ने बताई अपनी पसंद। फुकरे एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, कहा रिसेशन है अठन्नी चवन्नी में, ट्वीट करती है ट्रोल आर्मी। केजीएफ 2 की हुई 1200 करोड़ क्लब में धमाकेदार एंट्री, रॉकी भाई के एक्शन ने पांचवें हफ्ते भी चटाई सबको धूल। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।